गाइस, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ, तो आज हम आ चुके हैं अपनी वीडियो में। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हमने कलर ग्रेडिंग करके आपको दिखाया, एडिटिंग करके दिखाया, तो वही फोटो को हम एडिटिंग करके आपको दिखाएंगे कि एडिट कैसे करना है और किस ऐप से करना है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो लगे रहिए हमारे वीडियो में, कंटिन्यू चलते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको फ़ोन अपना ले लेना है, मोबाइल से हम एडिटिंग करके बताएंगे एकदम इजी से। तो मोबाइल में हमको आ जाना है अपने, हमको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाना है। फ़ोन में आने के बाद हमको लाइट रूम ऐप ओपन करना है। लाइट रूम ऐप हमको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एकदम, जिससे हमको जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये वाला ऐप है हमारा, ये हमको ओपन कर लेना है। हमारा ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ओपन होने के बाद हमको यहाँ पास ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। हमको अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है जो वाली हमको एडिटिंग करनी है। तो हम अपनी फ़ोटो चलिए ऐड कर लेते हैं, हमारी फ़ोटो कहाँ है। जैसे कि हमारी फ़ोटो आ चुकी है, अब हमको अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है। ये हमारी फ़ोटो है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके इंटरफेस दिखेगा हमको, हमको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे कि। और ये हमको अपनी फ़ोटो एडिट करना है। आप देख सकते हैं कितनी फीकी सी फ़ोटो है, अब हम इसको एडिटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो ऑप्शन का आइकन देख रहे हैं उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये लाइट का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि हमको लाइट कितना कम ज़्यादा है उसको अपने हिसाब से सेट करना है। हमको फोटो के हिसाब से हमको अपने सब कुछ सेट करना है। तो इसमें क्या करना है, हमको एक्सपोजर को बिल्कुल नहीं कुछ नहीं करना है। तो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को हमको थोड़ा सा बढ़ा देना है। कंट्रास्ट को बढ़ाने के बाद हमको हाईलाइट्स एकदम माइनस में कर देना है, क्योंकि आप देख सकते कुछ पार्ट पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो उसको कम कर देना है। शैडो को भी हमको थोड़ा सा माइनस में करना है, और वाइट वाला है वाइट को भी हमको माइनस की ओर कर देना है। ये करने के बाद ब्लैक बचता है, ब्लैक को भी हमको थोड़ा माइनस कर देना है थोड़ा सा अपने फ़ोटो के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लाइट वाला एकदम जितना भी काम था कम्प्लीट हो चुका है। पहले कुछ हमारी फ़ोटो इस तरीके से थी, और लाइट को एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से हो गई है। अब हमको क्या करना है, हमको कर्व के ऑप्शन पे आ जाना है। कर्व आप देख रहे हो सबसे ऊपर है यहाँ पास, उस पर क्लिक करने के बाद हमको वाइट पे ही रहने देना है। और यहाँ पास हमको कर्व में कुछ नहीं करना है, यहाँ पास हमको थ्री डॉट्स बना लेना है। ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, ये नीचे वाला जो पार्ट जिस जैसे मैं कर रहा हूँ इसको पकड़ना है, और इधर ऊपर वाला इसको करना है, इसको हल्का सा एस के तरीके से बना देना है। बस हो गया है, इधर वा इसको थोड़ा ऊपर कर देना। ये करने के बाद यहाँ से हमको डन कर देना है। यहाँ से हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब कहाँ आना है हमको, टेम्परेचर के ऑप्शन पे आना है। जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पास क्या करना है गाइस, हमको वाइब्रेंस को छेड़ना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। वाइब्रेंस को हमको बढ़ा देना है थोड़ा सा, आप देख सकते हो वाइब्रेंस को करने के बाद हमारी फ़ोटो में कितना ज़्यादा कलर इफेक्ट आ चुका है। ये करने के बाद यहाँ से हमारा डन हो चुका है। अब मिक्स टूल पे जाएंगे, मिक्स टूल जैसे कि आप ये इस पर होता है। अब हमको नेक्स्ट वाले कलर पे आना है, ये कलर होता है फेस का। अब हमारा फेस देख सकते हो कितना ज़्यादा येल्लो टोन है इसमें, हम इसको सेचुरेशन इसको माइनस में करना है, देख सकते हो आप इतना कर देना है। ये करने के बाद ल्यूमिनस को थोड़ा बढ़ा देना है। ये करने के बाद हमको येल्लो वाले टोन पर आना है, कलर पे आना है। अब इसका ही हमको माइनस कर देना है। यहाँ से हमारा डन हो चुका है। ग्रीन कलर पे आना है, ग्रीन कलर का भी ह्यू माइनस की ओर कर देना है। ये भी होने के बाद और सेचुरेशन को इसको थोड़ा सा हमको माइनस में कर देना है, ल्यूमिनस को भी थोड़ा माइनस में कर देना है। ये करने के बाद हमको सयान कलर पे आना है, इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देना है। और ब्लू कलर पे आना है, इसका भी सेचुरेशन को हमको बढ़ा देना है थोड़ा सा। यहाँ से आने के बाद हमको डन कर देना है। कलर ग्रेडिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हमको आना है यहाँ पास कलर ग्रेडिंग के ऊपर। यहाँ पास हमको शैडो का ऑप्शन दिख रहा है, शैडो वाला जिधर मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको हल्का सा बिल्कुल इधर कर देना है। अब मिड टोन पे आना है, मिड टोन भी हमको थोड़ा सा ग्रीन के साइड पे, जिधर ब्लू साइड पे मैं जिधर किया उधर ही आपको कर देना है। और इसके बाद हाइलाइट्स पे आना, हाइलाइट्स को हमको ऊपर की ओर ले जाना है कुछ इस तरीके से। इतने पे हमको करके डन कर देना है। आप देख सकते हो हमारी लगभग फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है। पहले आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से थी, अब एडिट होने के बाद इस तरीके से हो गई है। और अब हमको आ जाना है नेक्स्ट टूल पे। तो यहाँ पास आने वाले टेक्सचर को हमको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, और क्लियरिटी को भी थोड़ा इंक्रीज़ करना है यहाँ से। और विगनेट है, विगनेट हमको
कम से कम इतना कर देना है, और इधर इसको भी हमको थोड़ा मिड पॉइंट को बढ़ा देना है, और फेदर को भी फुल फुल कर देना है 100। ये करने के बाद यहाँ से भी हमारा डन हो चुका है। अब हमको आ जाना है इस पे शार्प को, इस पर ऑप्शन है शार्पनेसिंग का, इसको हमको थोड़ा सा बढ़ा देना है हल्का फ़ोटो के हिसाब से। उसके बाद मास्किंग को हमको फुल कर देना है, और नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, इससे हमारा फेस स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहले कुछ इस तरीके से है, और इसको बढ़ाने के बाद हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, और इसका कलर नॉइस को भी हमको बढ़ा देना है। फाइनली हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है गाइज। आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, बिफोर पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से थी, एडिट होने के बाद इस तरीके से थी, आप लोग देख सकते हो। फाइनली गाइस हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, और वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट करिए, जो आपको क्वेश्चन पूछना है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी एडिटिंग की वीडियो चाहिए, जैसे भी वीडियो भी चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर ला के दूंगा। लास्ट स्टेप क्या बचता है गाइस, अब हमको फ़ोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए हमको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सॉरी गाइस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमको सेव टू डिवाइस लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे, हमारी फ़ोटो सेव होकर गैलरी में पहुंच जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए होगे तो आपको देख सकते हैं हमारा पेज दिख रहा है, आप हमको उस पर जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।